बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल करते हैं। आज रजाई बना के हम लोग चलते हैं बाहर नाश्ता करने के लिए। नाश्ते तो बाहर हमारे पास बड़े बड़े मजे के होते हैं। कहीं पे पूड़ियाँ बन रही होती हैं और साथ में चने होते हैं, साथ में जब वो मीठा हलवा होता है, कहीं पर जनाब हमारे पास नान और साथ में जनाब मज़े मज़े का होता है जनाब शोरबा पाए का। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अभी चलते हैं बाहर और जाके देखते हैं कि किस शॉप के ऊपर हम लोग जाते हैं और किस शॉप से हमें अच्छा खाने को मिलता है और हम क्या खाते हैं, कैसा उसका जायका होता है, कैसा उसका कलर होता है, सब कुछ इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। इस सब के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपने पार्टनर को। अजमत चले नाश्ता करने। आज मज़ेदार सा नाश्ता करके आते हैं बाहर से। पहले एक मज़ेदार होता है लेकिन आज थोड़ा चेंज करके आते हैं, यूनिक। मतलब नहा जल्दी जल्दी करिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट। चार उंगलियां की हैं तो 5 मिनट। साथ में बजमत का वेट कर लेते हैं और साथ में हम पी लेते हैं पानी। इन दिनों पानी का खास ख्याल रखें क्योंकि इन दिनों जब वो हीट बहुत ही ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है और पानी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। वैसे नॉर्मल डेज में भी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी का जब वो साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन एक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी जब वो ज़्यादा ज़्यादा पिया करें। बजमत भी नहा के आ गए और अब्दुल्ला को जब सफाइयाँ दे रहे हैं। चलें फिर जी, हम तैयार हैं। बाइक भी आ गई है बाहर और अभी बाइक पे बैठते हैं फिर चलते हैं। चले बगैर पैसे है ना पास, किस चीज़ के? नाश्ता नहीं करना? आप नहीं करवा रहे नाश्ता? मैं करवा रहा हूँ। हाँ मैं अंदर बैठे करवा देता हूँ। नहीं आप बाहर से करवा रहे हैं नाश्ता, क्या बात। बैजमत हमें नाश्ता करवा रहे हैं, वाह दिस इज ऑसम। देखिए मैं सबको बताऊंगा बजमन मुझे नाश्ता करवाया, ठीक है? नहीं मैं बता दिया, अब मैंने बता दिया, अब अल्फाज वापस नहीं हो सकते, इसलिए हम नाश्ता करने जा रहे हैं। आपके मोबाइल में आपके अल्फाज ही डिलीट हो जाएंगे। नहीं मैं रियल टाइम बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप पे और अभी चलते हैं अंदर हैमूड खाने का। आप कहेंगे तो सर आपके साथ आप खा लेंगे। चलिए जी मिलजुल के खाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आज हम क्या खाने वाले हैं यहाँ पे, जब क्या क्या अवेलेबल है इस टाइम। खाने में क्या क्या मिल जाएगा अभी नाश्ते में? चने और पाए नान। चने पाए नान पूड़ी हलवा कोई नहीं? हलवा सारा कुछ थोड़ा थोड़ा कर। तो जनाब अंडा चना कोफ्ता, उसके बाद पाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारे पास आ चुका है, स्टार्ट कर दिया। चावल जो है बड़े स्पेशल करके लगवाए हैं, इनके चावलों के ऊपर नॉर्मली सारा डालते हैं, सिर्फ चनों का डालते हैं। हमने जो है वो साथ में पाए का शोरबा भी डलवाया, उससे ये होता है कि डबल टेस्ट आता है और मज़ा ज़्यादा आता है। वाकई मज़ा डबल हो गया इसका। खाते खाते हमारे पास आ गई हैं पूड़ियाँ और एक तो चावल मुकम्मल खाने का वेट कर रहे हैं और दूसरा जो हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो साथ में हलवा और साथ में जो सालन वगैरह होता है दोनों चीज़ें आ जाती हैं। चलो उसके बाद जो हम लोग पूड़ियाँ शुरू करेंगे। इसी होटलों में जो सबसे खास औकात एटलीस्ट मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो ये आती है कि अचार जाइए साथ में देते हैं, अचार और साथ में थोड़ी सी सैलड। सैलड जो है काफ़ी किस्म की है, इसमें खीरा वगैरह, प्याज, बंद गोभी और गाजर है और ये होता है चिकंदर, वो भी है, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मज़ा आने वाला है। खूबसूरत का सरन आ गया और साथ में एक अदद इन्होंने दिया जी कोफ्ता हमें। मैंने भी हाफ प्लेट ही चावल खाए हैं, बैजमा ने सारे चावल खा लिए। मुझे हलवा बड़ा मज़े का लग रहा था, मैंने कहा जल्दी ये शुरू करें। हलवा हमारे पास आ गया और बैजमा जो है वो हलवा पूड़ी शुरू करने लगे हैं, मैं भी जो है वो चावलों पर अटका हूँ। मुकम्मल खा लिया और अभी आ गई है टर्न मेरी भी पूड़ियों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रंच क्रंची पूड़ियाँ, मैं भाई
अच्छा लगा, कोफ्ते का टेस्ट जो है काफ़ी मज़ेदार है। अब जल्दी से स्पीड में कर लेते हैं नाश्ता, बाकी बात करते हैं। हमारे यहाँ होटल में एक बहुत खास बात जो ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है वो ये लगती है कि हमारे पास जो है वो लाइव तंदूर होता है। मोस्टली इलाकों के अंदर लाइव तंदूर जो है वो अवेलेबल नहीं होता। उससे क्या होता है कि जब रोटी या नान वगैरह आता है तो वो आते आते या तो ठंडा हो जाता है या मतलब वो मज़ा नहीं आता जो बिल्कुल लाइव रोटी का मज़ा आता है। घर के लिए भी नाश्ता ले लिया और सीट जो है वो इतनी गर्म हो गई हुई है हाई गर्मी वाला ताप हो गया है। जो वो 12 का नहीं हुआ लेकिन सूरज जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर आ गया है। साया से चेक करें आप इनके, ये देखें ये साया बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर आ चुका है। अब चलते हैं घर को, जाके बैठते हैं पंखे के नीचे और साथ में करते हैं जी रेस्ट। चलें ये क्या है, आज सारा दिन गुजर गया और अभी तक जाओ केज के अंदर चक्कर ही नहीं लगा। मावी वैसे तो दो तीन चक्कर लगा के आ चुका है, मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ अपने कबूतरों के साथ खेल के आया कि दाना और पानी भी जाओ चेक करके आया। उसके अलावा सफाई का भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मुझे। चलते हैं केज के अंदर जाके केज विजिट करते हैं और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि करंट सिचुएशन जो है वो क्या है बर्ड्स की और सूरत हाल क्या है केज की। अगर बिगड़ी शिगड़ी हुई तो इंशाल्लाह उसको सीधा भी करते हैं। बजी जो है वो भी इंजॉय कर रहे हैं, बेबी भी जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं केज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लग रहा है कि ये मेरे सामने निकलेगा पहली बार शायद। आजो भाई बाहर, आजो बाहर। नहीं आना तो मर्जी है आपकी भाई, आजो थोड़ा सा जंप लगाओ, जंप लगाओ बाहर भाई। हेलो, ऊपर वाले को बोले ना उसको नीचे से पुश करे। ऊपर वाले नहीं आना भाई, रख रहा है पहले तो। ये दोनों बेबी हैं, दोनों बेबी हैं। इनके पिताश्री जो ग्रीन कलर ग्रीन एंड येलो कलर के बैठे हैं ना, ये इनके पिताश्री हैं। आज मौसम माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है, इसलिए बर्ड्स भी जो है वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पहले जो है ये गर्मी के थोड़े बहुत जो लेजी हुए होते हैं लेकिन ये कि आज ये ज़्यादा एक्टिव है पहले की मुश्किल। पानी थोड़ा बहुत लो आया हुआ तो पानी को जो है ज़रा फिल कर देते हैं क्योंकि बर्ड्स जो है वो ज़्यादा है इसलिए पानी काफ़ी हद तक गंदा हो जाता है जल्दी। दाना भी रिफिल कर देते हैं। ये है बेबीज, ये रेड है ये माशाल्लाह, और बाकी जो है वो ज़रा सिंपल सिंपल है लेकिन ये भी मेजोरिटी ऑफ कलर इसमें येलो ही है। ये रहे मावे के कबूतर शरीफ, ये भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए जो है वो बॉक्स लादे बना दिए मावे ने। ये भी जो है वो कॉर्नर में लग गए हैं, पता नहीं क्या पता शायद उदास हो गए हैं। हेलो उदास हो गए हो, वो कह रहे नहीं हमें ना छेड़ो। जो है वो माशाल्लाह सही इंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं टोटल। बजट भी जो है वो दाना पे पहुंच गए हैं वापस। उम्मीद करते हैं आपने हमारी आज की वीडियो एंजॉय की होगी, अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों आप आपसे जरूर शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जो है वो हमें जरूर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की इसको जल्दी से लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट जो है वो हमें जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियो चैनल नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। सदा खुश रहें आप, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।